हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स भाई, बात करें तो टाटा आईपीएल का गहरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच, यह मुकाबला 12 सपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में 8 अप्रैल को 3:30 बजे यानी कि 3:30 PM पर सैटरडे को दोनों हिट टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, बात करें एक बार राजस्थान रॉयल्स की टीम, पिछले मुकाबले में हालांकि 5 रन से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स को अभी तक एक भी मुकाबले जीत का सामना नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड बॉल टीम प्लेइंग 11, मैच प्रिडक्शन का भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, बात करें पिच रिपोर्ट की, हालांकि गुवाहाटी के 12 सपारा स्टेडियम पिच पर बल्लेबाजों को बॉल बड़ा रहने वाला है। हालांकि यहां की पिच काफी अच्छी भी मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए, इस पर फैंस को एक बड़ा स्कोर देखने को भी मिल सकता है। हालांकि पिछले मुकाबले में यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती नजर आई थी, ऐसे में शुरुआत के ओवर में तेज गेंदबाजों कहर भी बरपा सकते हैं। और की समस्या को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना अच्छा फैसला भी माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें हेड टू हेड की तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच अभी तक 26 मुकाबले में आमने सामने हुए हैं। हालांकि 26 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने 13 ही मुकाबले जीते हैं, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के टीम ने हालांकि 26 मुकाबले भी जीते हैं, यानी कि दोनों ही टीमों ने बराबर बराबर अभी तक मुकाबले जीते हैं। हालांकि यह मुकाबला काफी रोमांचक भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें बॉल टीम प्लेइंग 11 की तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के 12 सपारा क्रिकेट स्टेडियम में सैटरडे को यानी कि शनिवार को 3:30 बजे शुरुआत होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, हालांकि बात करें तो संजू सैमसन कप्तान रहेंगे, विकेट कीपर भी यानी कि ऑलराउंडर के तौर पर हैं। तो दूसरे नंबर पर सिमरन हेटमायर हैं, हालांकि सिमरन हेटमायर भी एक अच्छे खासे बैट्समैन माने जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल भी लेफ्ट बैटमैन, एक खतरनाक बैटमैन है। हालांकि वही चौथे नंबर पर देवदत्त पाडिकल भी एक अच्छे खासे बैटमैन भी माने जाते हैं। तो पांचवे नंबर पर रियान पराग है। तो छठवे नंबर पर रवि चंद्र अश्विन है। तो सातवे नंबर पर जैसन होल्डर है। तो आठवे नंबर पर जोश बटलर है, हालांकि जोश बटलर भी एक अच्छे खासे बैटमैन माने जाते हैं। तो ही नौवे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है, हालांकि ट्रेंट बोल्ट भी एक अच्छे खासे खतरनाक बॉलर माने जाते हैं, फास्ट बॉलर भी है। तो ही दसवें नंबर पर युजेंद्र चहल भी एक अच्छे खासे खतरनाक स्पिनर है। तो ग्यारहवें नंबर पर कुलदीप सैन है। यह फ्रेंड्स राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 जो कि 12 सपारा क्रिकेट स्टेडियम में गुवाहाटी में दिल्ली कैपिटल्स की सामना करने उतरेगी। तो फ्रेंड्स, बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, हालांकि बात करें तो डेविड वार्नर कप्तान है। तो दूसरे नंबर पर पृथ्वी शाह, हालांकि ये दोनों ही खतरनाक बैट्समैन है। तो तीसरे नंबर पर मिशेल मार्श भी एक अच्छे खासे बैट्समैन है। तो चौथे नंबर पर रिले रोसोव है। पांचवे नंबर पर सरफराज खान या मनीष पांडे को किसी एक टीम में शामिल किया जा सकता है। यह फ्रेंड्स छठवे नंबर पर अक्षर पटेल भी एक स्पिनर के तौर पर ऑलराउंडर बैट्समैन भी माने जाते हैं। तो सातवें नंबर पर अभिषेक पारेल भी विकेट कीपर के तौर पर ऑलराउंडर माने जाते हैं, ये बैट्समैन और विकेट कीपर है। तो वही आठवें नंबर पर कुलदीप यादव भी चाइना में खतरनाक ऑलराउंडर ही माने जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स बात करें तो नौवें नंबर पर अमान खान है। तो दसवें नंबर पर एनरिक नार्जिया भी एक खतरनाक बॉलर, फास्ट बॉलर है। तो ग्यारहवें नंबर पर मुकेश कुमार है,
यह फ्रेंड्स दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का ग्यारहवां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की भिड़ंत 3:30 बजे यानी कि 3:30 PM पर होने जा रही है। तो फ्रेंड्स हालांकि बात करें तो मैच प्रिडिक्शन की बात करें तो हालांकि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 खतरनाक है, यह हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह मैच है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। वही फ्रेंड्स हालांकि हमारी तरफ से हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतने की ज्यादा चांस है। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपको इस पर कंटिन्यू में अपडेट देते रहेंगे, मैच के सभी मुकाबले लाइव आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।